वो ऐसे कौन से काम हैं जो शनिवार को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और धन का वास होता है। तो चलिए जी, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो सबसे पहली टिप्स है वो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये टिप्स है, जैसे कि हम सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बिना नहाए बनाते हैं, और हमें सबसे पहली रोटी बनानी होती है गाय की। तो अब बिना नहाए हम गाय की रोटी कैसे बनाएँ, और हमें ये जो दोष होता है पहली रोटी नहीं खाई जाती है वो गाय को ही खिलाई जाती है, तो वो भी ख़त्म करना है। उसके लिए हमें तवे पर दो इस तरीके से लोइयां बनानी है छोटी छोटी, और हमारा ये दोष ख़त्म हो जाता है। तो जी देखिए, अब मेरे जो सारे पराठे थे वो बन चुके हैं, और यहाँ जो पराठा ये लास्ट का था वो भी बन चुका है। तो लास्ट का पराठा हम बच्चों को कैसे दें, तो इसके लिए भी अब छोटी सी एक हम लोई तोड़ लेंगे और इसे तोड़ के हम तवे पर रख देंगे, जिससे कि हमारा जो लास्ट का दोष होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जी आप भी इसी तरीके से अपनाइए इन टिक्स और टिप्स को, बहुत ही अच्छी टिप्स होती हैं जिससे हमारे घर में बरकत होती है। तो जी देखिए, अब अगली टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पराठे हैं मेरे बन चुके हैं, और अब पराठे चिकने होते हैं आप सभी को पता है, तो इनकी स्मेल से जो हमारा ये किचन का कपड़ा होता है इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल हो जाती है, और घी की जो रोटियाँ होती हैं उससे भी अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए अब हमें भगोनी में पानी गर्म करना है, और अब हमें जो सबसे ज़्यादा मेन टिप्स है वो मैं आपको बताऊँगी आगे। और अभी इसमें हमें जो सर्फ होता है वो डालना है, और सर्फ डालने के बाद में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा शैम्पू। तो शैम्पू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डालना, क्योंकि इससे हमारा जो ये कपड़ा है इसमें एक अच्छी स्मेल आएगी, और जो शैम्पू होता है इससे जो चिकनाहट है वो बिल्कुल कपड़े की ख़त्म हो जाती है। और आपको पानी इतना गर्म करना है जितना कि आपका हाथ सहन कर सके। तो देखिए जी, अब इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, और उसके बाद में अच्छे से रगड़ कर हम इसे साफ़ कर लेंगे, और इस पानी को अभी हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है। तो देखिए जी, यहाँ जो कपड़ा है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे हम साफ़ पानी से धो लेंगे। लेकिन इससे पहले जो ये पानी है इसमें हमारे किचन के जो बाकी कपड़े होते हैं उन्हें हम रख देंगे, और फिर इन्हें भी ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। तो जी देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये रोटियों का ही अलग से मैंने बनाया हुआ था, तो मैं इस तरीके के कई बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, तो इस तरीके से एक को मैं सुखा देती हूँ धो के, और दूसरा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए जी, ये मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और इसे मैं अब अच्छे से सुखाने के लिए डाल दूंगी, और फिर यहाँ थोड़ा सा ये सूख जाएगा, फिर मैं इसे धूप में डालूंगी जिससे कि इसकी पूरी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जी अब चलिए, जो हमारी सबसे मेन टिप्स है शनिवार को हमें ऐसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए। तो जी देखिए, सफाई तो हर कोई अपने घर में करता है, लेकिन उसका एक समय होता है कि हर कोई महीने में करता है या फिर हफ्ते में करता है, तो हफ्ते में तो सभी करते हैं। तो देखिए जी, जो घर के जाले होते हैं वो हमें शनिवार के दिन ही लेने चाहिए। इस और शनिवार के दिन क्यों लेने चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जो जाले वगैरह लेते हैं और घर की सफाई करते हैं, इससे हमारे घर में है जो वो बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। और हमें जैसे कि जो भी कबाड़ निकालना होता है अपने घर से, तो वो शनिवार के दिन ही हम निकालें, जो हमें फेंकना होता है वो शनिवार के दिन ही हम फेंकें, तो इससे हमारे घर में बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो वो हमारे घर के अंदर आती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर के बाहर जाती है। इसलिए आप जब भी जाले वगैरह लें, अपने घर की जो भी डस्ट वगैरह है वो साफ़ करनी है, तो वो शनिवार के दिन ही कीजिए। तो जी अगली टिप्स है हमारी झाड़ू को लेकर। तो झाड़ू तो सभी के घर में होता है, और इसे बहुत पूजनीय माना जाता है। ये इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, और दीपावली पर सब इसकी पूजा करते हैं। तो जी झाड़ू को हमें हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इस पर किसी की नज़र ना पड़े, और ज़्यादातर हम जो झाड़ू होती है उसे कभी भी जो ख़राब हो जाती है कभी भी फेंक देते हैं, लेकिन हमें इस झाड़ू को शनिवार के दिन ही बाहर फेंकना चाहिए, जिससे कि जो हमारे घर में सुख समृद्धि है वो आ सके। तो जी आपको हमारी छोटी छोटी टिप्स कैसी लगी, आगे मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लेके आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, जय श्री राधे कृष्णा।